जो हमारी संस्था है उसका नाम है कश्मीर पीस लवर्स। तो हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है जो हम गाँव में कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का नई एडिशन है। इस टूर्नामेंट को 11 साल पहले हमने इसको शुरू किया था। कोविड के 2 वर्ष की वजह से ये टूर्नामेंट एक साथ नहीं कर पाए। तो ये हमारा नई एडिशन है। इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस टूर्नामेंट में 8 साल से लेके 60-65 साल तक का के लोग खेलते हैं इस टूर्नामेंट में, जो सारे कश्मीरी से जुड़े हुए कश्मीरी मंडल से इस टूर्नामेंट खेलते हैं। इस टूर्नामेंट में जो दूसरी खास बात है कि इसका जो शीर्षक, हमारा जो पर्पज़ है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी स्थापित कर रही है इतने सालों से, 35 सालों से हमने कश्मीर को छोड़ा है, वो एक प्रयास है कि हम इस कम्युनिटी को, कश्मीरी कम्युनिटी को हम एक साथ जोड़ें मिल से दोबारा, जहाँ हमारे बच्चे जुड़े, हमारे कल्चर जो हमारे इतिहास है उसके साथ जुड़े। तो क्रिकेट से बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जहाँ जो गेम ऐसी चीज़ है जहाँ आपको डिसिप्लिन आता है, आपने उस गेम के प्रति एक जोश आता है, वो जोश आपको आपके रूट्स के साथ उसको जोड़ के रखना है। तो ये मेन पर्पज़ है। इस गेम में हमारे पास लेडीज़ की कुछ टीम्स हैं, जो मेन यंग बॉयज़ हैं उनकी टीम्स हैं, हमारे बच्चों की टीम्स हैं, और जो वेटरन्स हैं उनकी टीम्स हैं। तो टोटल 4 सेगमेंट के लोग इसमें खेलते हैं। तो जो आयु है 8 साल से लेके बॉयज गर्ल्स से लेके 65 ईयर तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें हमारे हिंदुस्तान की काफ़ी जगहों से टीम्स आ चुकी हैं। और इस बार एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, जो जम्मू कश्मीर सरकार जो है जम्मू से, उन्होंने एक बस को भी स्पॉन्सर किया है, जो जम्मू से जो प्लेयर्स के लिए उन्होंने बस प्रोवाइड करी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस बस से उनको देरी किया जाएगा, वो पूरा 3 दिन रहेंगे यहाँ। प्लस हमने जो लोग हैं उनके लिए हमने पूरा अरेंजमेंट करते हैं उनके रहने का, खाने का। और एक 4 तारीख को हम शाम को 5:30 बजे एक ग्राउंड है बलियाबास में डिस्ट्रिया करके, वहाँ हम सारी टीम्स इकट्ठे हम सब पार्टिसिपेट करेंगे, सारी टीम अपनी ड्रेसेज में आएंगे, और उस दिन हम इस प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे मैच सेरेमनी। हाँ, तो ओपनिंग सेरेमनी की सुबह की भी टाइम ऐसी है हमारे, इसलिए भी हम पूरे 3 दिन में लगभग 110 मैचेस होंगे। तो इट्स अ बिग इवेंट जहाँ 3 दिन में 110 मैचेस करते हैं हम। टोटल हमारे पास 55 टीम्स हमारे पास, जो 55 टीम्स हैं टोटल, 3 दिन भी हम सारे मैचेस कवर करते हैं। तो 4 तारीख को जो इवेंट रहेगा ये बलियाबास में स्टेडियम ग्राउंड है, वहाँ हम इसको उस दिन हमारे बीच एक बड़े क्रिकेटिंग एक स्टार रहे हैं हमारे क्रिकेट के, मिस्टर शर्मा जोगिंदर शर्मा जी, जिन्होंने वर्ल्ड कप में हमको जीत दिलाई थी हिंदुस्तान को, तो वो उस दिन आएंगे। उसके बाद 5 तारीख को हमारे कल्चरल इवेंट होती है, जहाँ आपस में मिल के अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट हो गया, हम हमारे कल्चर की बात करेंगे। तो 5 तारीख को उसमें हम कल्चर की बात करेंगे। उसमें हमारे जो महाभारत हम सब ने देखा है उसमें युधिष्ठिर जी थे, चौहान जी वो उस दिन जीत गए हमारे, वो 5 तारीख को। और 6 तारीख को हमारा फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें जो भी टीम लाई है पार्टिसिपेट किया है, जो भी विनिंग टीम्स होंगी हम उनको प्राइजेस दिए जाएंगे 6 तारीख। इसका उद्देश्य है कि जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं, जो बिखरे हुए हैं, उनको एक जगह 3 दिन का एक महोत्सव रहता है कश्मीरी कम्युनिटी में, जहाँ मिलके इस महोत्सव को खेल के सेलिब्रेट करते हैं। महिलाओं का बहुत योगदान रहता है, घर से लेके इस खेल तक हमारा योगदान बड़ा रहता है। महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है कि कोई भी काम हमारे जो हमारा रिलीजन है उसमें सबसे पहले जो भी चीज़ होती है वो महिलाओं से ही शुरू होती है। इसमें 4 कैटेगरी हैं इस टूर्नामेंट की, जिसमें बच्चे खेलते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, छोटे बच्चे होते हैं अप टू 15 ईयर्स। उसके बाद जो मेन टीम्स होती हैं, मेन टीम में यंग जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं। एक वुमेन की टीम होती है, लेडीज़ की टीम होती है, वहाँ लेडीज़ का उसमें पार्टिसिपेशन होता है। और एक वेटरन टीम है जो 40-45 साल से ऊपर की युवा है, लगभग 65 साल की युवा तक उसमें खेलते हैं, मतलब बात से काफ़ी जगहों से हैं, जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, चंडीगढ़ से हैं, जयपुर से हैं, और गाज़ियाबाद NCR। क्रिकेट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो हमको एक दूसरे के साथ जोड़ती है। अभी 2 दिन पहले भी एक मैच हुआ था, जो भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, आप सबने देखा होगा। लास्ट ओवर जो लोगों ने, मैं अभी किसी के यहाँ था उस दिन भी, तो जो भाभी थी उसने कहा कि अभी मैं तुमको चाय नहीं दूँगी, मेरे को लास्ट ओवर देखने दो। तो हम भी उसके थ्रू और देख लेंगे। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हमको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जोड़ती है, और वो फील लेके आती है कि हम
अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें जीतने की जो वो है वो क्रिकेट से ज़्यादा किसी और चीज़ में। हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी का क्रिकेट एक अलग ही रिलीजन है, इट्स अ रिलीजन आई थिंक, इट्स नॉट अ गेम नाउ इन इंडिया। हिंदुस्तान में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह माना जाता है और हम भी इसमें एक रिलीजन की तरह लेके चल रहे हैं, जहाँ हम सब इकट्ठे हो जाए जिससे हमारी कम्युनिटी साथ रहे जो एक साथ दोबारा। मैं भी इसके मेल से जुड़ी हुई एक ये समझ लीजिए कि ग्राउंड लेवल वर्कर हूँ, और उद्देश्य तो मेन यही है कि जैसे हमने कहा कि एक तो हम अपनी जो कम्युनिटी के लोगों को आपस में जोड़ें, और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को नहीं, अब जो हमारे जैसे हम ग्लोबल होना चाहते हैं और हम सबको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, प्लस एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हम सब लोगों को जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर ही हुए हैं, क्योंकि 32 साल पहले हम पलायन कर चुके थे अपने देश से अपने कश्मीर से, तो हमारे बच्चे यहाँ हुए हैं, तो उनको अपनी संस्कृति से जोड़े रखना एक बहुत ज़रूरी बात है। तो उनको अपनी लैंग्वेज संस्कृति से जोड़े रखने का ये एक तरीका है। जब हम सब लोग मिलते हैं, कुछ अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ अपने संस्कारों संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो ये हम सिर्फ आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, अपने रूट्स के साथ भी जुड़े रहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। KPL में हमारा मुख्य रोल सबका हमारा ये मुख्य रोल है कि हम बिल्कुल दिल से जान से इस KPL को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि हम अपने बच्चों को एक साथ, जैसे मैंने कहा कि बाकी जो हम कम्युनिटीज हैं उनसे भी जुड़ रहे हैं, सब बच्चों को सब महिलाओं को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको यहाँ पे, कि हाँ मतलब वो एक चीज़ में अच्छी हैं वो दूसरी चीज़ में भी अच्छी हो सकती हैं। तो वो जब तक एक इंसान को अपना पोटेंशियल पता ना चले, क्योंकि देखिए इंटरनल स्पार्क हर एक में होता है शायद, और उस इंटरनल स्पार्क को एक एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत होती है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक एक्सटर्नल पुश देते हैं, तो वो एक्सटर्नल पुश बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में चाहे बच्चे हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि पंकज जी ने अभी बताया कि 65 साल के भी हमारे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जो खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, कि वो मेन स्ट्रीम के लोगों को पिछाड़ सकते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस ही है, वो एक इंस्पिरेशन ही है जो शायद उनको आगे ले जाए। क्या यह प्रोग्राम कश्मीर या श्रीनगर में आयोजन किया जाएगा? आशा है बिल्कुल किया जाएगा, ऊपर वाले की इच्छा होगी तो कुछ भी किया जा सकता है। जैसे हम अगर टीम्स की बात करेंगे तो अराउंड 53-54 टीम्स हैं जो इस बार खेल रही हैं, तो अराउंड 800 तो पार्टिसिपेंट्स ही हैं प्लेयर्स की अगर हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे सब लोग जो जुड़े हुए हैं इससे, तो उनको मिला के अराउंड 1000-1200 लोग तो होते ही होते हैं। हमारा ये है कि जो हम इस बात के साथ जुड़े हैं 32 साल पहले, लोगों को दोबारा हम जोड़ सकें। कार्यक्रम तो यही क्रिकेट का रखा है जो लोगों को जोड़ जाएगा। वो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं? बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मेन स्ट्रीम एडल्ट्स हैं, और इवन अप टू 65 साल तक जो भी लोग हैं वो जुड़े हैं। अलग अलग 4 कैटेगरीज की टीम है, 55 टीम है। 4, 5 और 6 नवंबर को ये गेम चलेगा, ये बलिया, इसमें जितने भी कम से कम 17 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं उनमें ये आयोजन खेला जाएगा।